कश्माला जी अम्मा साहिब, बैठो बैठो। तुम्हारे सर में दर्द हो रहा था, अब तबीयत कैसी है? ठीक, बेहतर है। थोड़ा आराम कर लेती, अस्पताल में कहाँ मौका मिलता है नींद पूरी करने का। आराम कर लिया था अम्मा साहिब। कश्माला इतना मत सोचा करो, परेशान रहोगी इसीलिए सर में दर्द रहता है, थक जाओगी। अम्मा साहिब थकन कैसी, आप सब तो अपने ही हैं, बस खुद को थोड़ा कामों में बिजी रखती हूँ ताकि अकेले बोर ना हो जाऊं सारा दिन। मैं समझ सकती हूँ, सवार क्या गया, इस घर से तो खुशियां ही रूठ गई। खजां का मौसम जैसे आकर रुक गया है हमारे घर में। और नौशेवा, उसे तो महीनों किसी की याद नहीं आती। मैंने इतनी बार कहा है तुम्हारे बाबा साईं से कि उसे समझाएं कि तुम्हें और बच्चों को यहां ले आए। इतना बड़ा घर है और रहने वाला कोई भी नहीं, मगर वो मानता ही नहीं है। यही कहता है कि मेरा कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं है और इतने दुश्मनों की मौजूदगी में तुम और बच्चे उसकी कमजोरी बन जाओगे। वहां हवेली में तुम ज्यादा महफूज हो। लेकिन अम्मा साईं, अगर आप और बाबा साईं उन्हें मजबूर करेंगे तो वो मान जाएंगे। उनसे कहें ना कि हमारे साथ हवेली में चलकर रहें, वहां उनकी जान को भी कोई खतरा नहीं होगा। ये भी करके देख लिया है, नहीं मानता। पता नहीं जवार के बाद उसको क्या हो गया है, जिद्दी तो हमेशा से था पर अब किसी की नहीं सुनता। गोली मेरे हाथ पे लगी, लंगड़ा नहीं हुआ मैं। चलो। अरे वैसे मैंने सोचा कि वीकनेस आपको होगी होगी इसलिए। I'm perfectly all right. दो तीन दिन में ही भी उतार दूंगा। चलो इससे पहले डॉक्टर अपना इरादा बदल दे।